आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हम प्रेगनेंसी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। मैं रीना ओला, वेलनेस कोच ओला हेल्थ कंसल्टेंट में आपका स्वागत करती हूँ। तो इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा 100 ग्राम कर्ड, है ना, जो मैंने, आप देख सकते हैं कि इसके लिए, कर्ड के लिए मैं मिट्टी का बर्तन यूज करती हूँ और मोस्टली मैं दूध गर्म करने के लिए भी अपने मिट्टी के बर्तन का यूज करती हूँ। तो ये स्नैक्स रेसिपी के लिए हमें जरूरत होगी, इसके लिए मैंने यूज किया है एक खीरा और एक फ्रेश अनार के दाने जो मैंने निकाल चुकी हूँ मैं, और इसके लिए मैं लेने वाली हूँ एक केला मैं यूज करने वाली हूँ और कुछ अंजीर जो आप देख सकते हैं, इसके लिए भी मैंने मिट्टी का ही बर्तन यूज किया है। 3 अंजीर मैंने रात भर भिगो के रखी हुई है, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं 100 ग्राम कर्ड। यस, आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने खीरे यूज किए हैं, ये 2 फ्रेश कटे हुए केले मैं यूज करने जा रही हूं, ये अनार के दाने हैं। और आप सभी जानते हैं कि दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, यदि हम नमक का यूज करते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, और गुड बैक्टीरिया की यदि हम क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें, मैं यूज कर रही हूँ गुड़ का, है ना। तो 2 चम्मच आपको जितना पसंद हो आप उस अकॉर्डिंग 1 या 2 स्पून यूज कर सकते हो। तो मैंने जितनी दही की क्वांटिटी ली है उस अकॉर्डिंग मैं 2 स्पून इसकी यूज करने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने खीरे यूज किए हैं फाइबर के लिए। और आप सभी जानते हैं कि जो केले हैं वो एक संपूर्ण आहार में शामिल होता है, है ना, जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिल जाती है। अनार जो है वो हमारे HB लेवल को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। तो हमारा ये हेल्दी स्नैक्स जो केवल 2 मिनट में बन के रेडी हो चुका है, और प्रेगनेंसी टाइम में हमें क्वांटिटी को बिल्कुल भी नहीं देखना है कि हम कितनी यूज कर रहे हैं, हमें सिर्फ देखना है क्वालिटी, क्योंकि ये हमारे आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होने वाला है, उसकी संपूर्ण ग्रोथ के लिए बहुत ही पौष्टिक स्नैक्स मैं बना के रेडी कर रही हूँ। यदि आप भी ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू सो मच।